हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलिस वर्ल्ड में। आज हम बनाने वाले हैं ड्राई चिली पनीर की रेसिपी, तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक बोल में हम लेंगे 3 चम्मच मैदा, तो बड़े चम्मच से 3 चम्मच मैदा लिया है मैंने। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। और 1/3 चम्मच छोटे चम्मच से बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। बैटर को ना तो हम ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और ना तो ज़्यादा पतला रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर हमें बनाना है, तो बस इतना ही गाढ़ा रखेंगे बैटर को। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर को। तो जितना पनीर आपको फ्राई करना है उतना ही अभी डालें। ये देखिए, ये अच्छे से इसमें कोट हो रहा है। तो इस तरह का ही हमें बैटर रखना है। तो अब हम चलते हैं पनीर को फ्राई करने। तेल पहले से गरम करने के लिए रख दिया था मैंने, तो अब हम इसमें एक एक करके पनीर को डाल देंगे। और तुरंत डालने के बाद ना चलाएं, थोड़ी देर के बाद चलाएं। तो ये देखिए, इस तरह से हम उलट पुलट के इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए, सारे पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब हम सॉस रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच तेल। तेल को हम चारों तरफ कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे और तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, एकदम हल्का सा ही हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो इसके कलर चेंज होने तक हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। फिर हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम और ग्रीन चिल्ली, इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसे भी एकदम हल्का सा ही फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और कुटी हुई काली मिर्च। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने कुटी हुई काली मिर्च थोड़ा कम डाला है। अगर आपको और स्पाइसी खाने का मन है तो आप इसमें ग्रीन चिल्ली और क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर थोड़ा और ऐड कर दें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस, रेड चिली सॉस, तो रेड चिली सॉस भी आप थोड़ा और ज़्यादा डालें। और अब डाल देंगे इसमें हम 3 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस और 1/2 चम्मच विनीगर। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, और चुटकी भर फूड कलर। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। तो इतना ही पानी, एकदम हल्का सा ही डालें, 3 से 4 चम्मच, उससे ज़्यादा पानी ना डालें। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सॉस बनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई किया हुआ पनीर, और पनीर के साथ ही हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये ड्राई पनीर चिल्ली बनकर तैयार है। तो फटाफट से आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।